दूसरा सेमीफाइनल मदर खजानी स्कूल और जोसेफ एंड मैरी स्कूल के बीच। यहां से एक और टीम फाइनल के लिए मिलने को तैयार है, बेताब है। मदर खजानी स्कूल बनाम जोसेफ एंड मैरी स्कूल। जोसेफ एंड मैरी स्कूल के लिए एक अलग ही क्राउड उमड़ा हुआ है, एक अलग ही जोश है, लेकिन मिंटू कुमार कप्तान खुद तैयार है मदर खजानी को जीत की राह पर लेके जाने के लिए। पहली रेड में रेड रन आउट, वन पॉइंट जोसेफ मैरी स्कूल। फाइट छोटी है लेकिन हाँ, इनकी फाइट सबसे बड़ी है, लेकिन डिफेंस दूसरी तरफ भी तैयार है। रेड रन आउट, वन पॉइंट मदर खजानी स्कूल। मदर खजानी स्कूल की तरफ से अब अरहान। दोनों तरफ बोनस तो ऑन है, लेकिन बोनस लेने के बाद आप वापस क्यों फाइट में जाएंगे। मदर खजानी रेड राउट, वन पॉइंट जोसेफ मैरी स्कूल। दूसरे मिनट का वक्त चलता जा रहा है, 20 सेकंड की रेड है। हर एक रेड डू और डाई रेड है, सेमीफाइनल का ये मुकाबला है, फाइनल्स तक का रास्ता बनाना है। युग की कोशिश है राइट कॉर्नर पर टच करने की, लेकिन यहाँ फंस गए। ये पैर जो बाहर गया ये बड़ी गलती है। जो डिफेंडर यहां पर स्ट्रगल में शामिल हुए थे वो पहले आउट ऑफ बाउंड चले गए थे, इसकी वजह से जोसेफ एंड मैरी स्कूल के रेडर को वो पॉइंट मिला। और यहां मदर खजानी स्कूल के मिंटू कुमार को आखिरकार वो पॉइंट मिला जिसकी वो तलाश में थे। एक पॉइंट का फासला इस समय। टच पॉइंट लगातार हासिल करने की कोशिश, राइट कॉर्नर का टैकल, जबरदस्त टैकल, बोनस पॉइंट, बोनस जरूर मिला। और एक तरफ सुपर टैकल सिचुएशन, शायद यहां से चीजें बदले क्योंकि सुपर टैकल का आपको मोमेंटम मिलता है, प्लस पॉइंट्स मिलते हैं। दूसरी तरफ ऑल आउट के लिए स्थिति आप पैदा कर सकते हैं धीरे धीरे, तो प्रेशर मिंटू डालेंगे जरूर। किक किया है, क्लेम कर रहे हैं सुपर टैकल की स्थिति में, यहां तो सुपर किक लग गई ऐसा लगा। हर बार जब भी कोच की बात होती है, चाहे रेडिंग में चाहे डिफेंस में, मिंटू के नाम से शुरू होती है। समय इंद्रजीत को जीतना पड़ेगा इस रेड को, समय ज्यादा बचा नहीं है, हर रेड डू ऑर डाई है। सर ये सीधी मतलब आप बाहर, दो पॉइंट्स की लीड है, पहले हाफ का समय निकलता जा रहा है। यहाँ पर ऑल आउट की स्थिति है, ऑल आउट कर देंगे मदर खजानी स्कूल ने। यहाँ एक बार फिर से पहले हाफ में अपने आप को एक लीड पर खड़ा कर दिया है। हाफ टाइम पर 11 पॉइंट्स है मदर खजानी स्कूल के पास, 5 पॉइंट्स पीछे है जोसेफ एंड मैरी स्कूल। रणनीतियां बना ली गई है, नए आइडियाज पर काम किया जाएगा इस दूसरे हाफ में। मदर खजानी स्कूल के डिफेंस को फिर से यहां पर चलने की जो उम्मीद थी वही शुरुआत में होता हुआ, एक पॉइंट मिलेगा, अपने लीड को बढ़ा देंगे अब ये मदर खजानी स्कूल। अब यहां पर मिंटू आए हैं रेड पर, 3 रेड पॉइंट्स यहां पर राइट कॉर्नर पर चाटे थे एक टच, समय जाता जा रहा है। जोसेफ एंड मैरी स्कूल के डिफेंडर्स अपने आप को संयमित रख रहे हैं, लेकिन मेरे बोलने तक की तुरंत यहां पर गलती हुई, बोनस पॉइंट, पॉइंट मिला मदर खजानी, 1 पॉइंट जोसेफ मैरी स्कूल। और इतने क्लीन बोनसेस ये ले रहे हैं ये दोनों ही टीम के प्लेयर्स, नवीन एक्सप्रेस की याद दिलाते हुए। जोसेफ एंड मैरी को एक पॉइंट मिला यहां, जिस तरीके से जल्दी जल्दी रेड्स होती हैं और निकल करके भागते हैं, जी हाँ, और रेड पॉइंट्स इस प्रकार से आशु मलिक इस पूरे सीजन में निकाल रहे हैं, वैसे ही ये बच्चे भी केपीटी जूनियर्स के वो दिखाते हुए वापस से वही चीज होती हुई कि बोनस लेकर के जा रहे हैं लेकिन पॉइंट दिए जा रहे हैं। फासला अभी भी है 5 पॉइंट्स का, क्या ये सुपर रेड हो सकता है? स्ट्रगल अभी भी जारी, लेकिन आखिरी क्षणों में डिफेंस ने एकजुट होकर वो काम नहीं होने दिया जोसेफ एंड मैरी स्कूल के लिए। 6 पॉइंट्स का फासला अभी भी है, मिंटू फिर से रेड के लिए तैयार। मौका है यहाँ पर, स्टार्स बनते हैं इस कबड्डी के मैच पर, इस मैच पर। रेडर सेव, बोनस प्लस 1 पॉइंट, बोनस भी मिला, एक पॉइंट भी मिला उसकी वजह ये कि पहले ही चले गए थे डिफेंडर लाइन के बाहर, अपनी सीमाओं से बढ़ करके खेलना चाहते थे। दिक्कत यह है कि इस बार अगर आप सीमा से आगे बढ़ेंगे तो डेफिनेटली पॉइंट आपके ओपोनेंट के पास जाता है। पर अब वन पॉइंट मदर खजानी फिर से पॉइंट्स दर पॉइंट्स निकाले जा रहे हैं। 6 रेड पॉइंट्स टच कर गए थे उनके हिसाब से, लेकिन मना जो किया डिफेंडर ने तो उसके बाद एक बार फिर से टच करके आए। इस बार कोई भी शक नहीं है कि वो टच हुआ है कि नहीं। 2 पॉइंट्स, मल्टी पॉइंट रेड, ये 2 पॉइंट्स अच्छे तरीके से बहुत ही आसानी से बहुत ही आराम से उठाए गए हैं। अब जोसेफ एंड मैरी स्कूल कितना भी कर ले उन्हें पता है कि वो ज्यादा आगे नहीं जा पाएंगे, मल्टी पॉइंट्स हो जाए किसी भी तरीके से। 2 पॉइंट जोसेफ मैरी स्कूल, जर्सी नंबर 11 एंड 12 आउट।
केवल 30 सेकेंड का वक्त बाकी है ओशन, 9 पॉइंट्स को पार करना थोड़ा सा असंभव सा टास्क दिखता हुआ फिलहाल। शुरुआती दौर में अगर आपको अच्छी ट्रेनिंग, सही ट्रेनिंग मिले तो आप किस तरह के कमाल कर सकते हैं। यहाँ पर पॉइंट नहीं देना है ये बोला जाता है, चाहे लीड है पॉइंट नहीं देना है, संभवतः अगर समय के साथ ही चले तो ये आखिरी रेड हो सकती है। फाइनल्स भी अपनी जगह बना चुके हैं और अब दिल्ली दूर नहीं है इनके लिए बिल्कुल भी। अभी तक का प्रदर्शन कमाल का था, बस अब फाइनल्स में देखना जरूर है। 22-13 का जो स्कोर लाइन है मदर खजानी के पास, क्या ऐसा ही सेम प्रदर्शन वो फाइनल्स में कर सकते हैं।